हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं सेव दूध का कोई एक रेसिपी बनाने जा रही हूँ, जिसके लिए हमें चाहिए सेव, एप्पल, ड्राई फ्रूट्स में आलमंड, पिस्ता बादाम, काजू और उसके साथ ही दूध और चीनी। चीनी आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, मैंने बस एक चम्मच चीनी लिया है। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम दूध बॉईल करने के लिए रख देंगे गैस पे। तो ये हमने गैस ऑन कर दिया है और ये डाला हमने दूध। दूध ऑलरेडी मैंने बॉईल कर लिया था, तो अभी इसको फिर से बॉईल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये मैंने, ये देखिए, सेव काट के रखा है। ये सेव इसमें मिक्स कर देंगे। अब हमें क्या करना है, सेव को सबको थोड़ी देर के लिए कवर कर देंगे और हीट हाई पे ही रहने देंगे, ताकि ये सेव और जो दूध है वो एक साथ बॉयल हो। ये आप देख सकते हैं सेव पिघलना शुरू हो गया है। अभी हमें और गलाना है सेव को। तो ये देखिए, अब मैं इसमें थोड़ा सा चीनी ऐड करने जा रही हूँ। बस इतना ही चीनी मैंने ऐड कर लिया है। अब ये जब तक पूरा दूध नहीं सूखता है, कंटिन्यू हमें चलाना है। आप देख सकते हैं दूध एकदम सूख गया है, फिर भी अभी हमें ये जो अपना एप्पल का और दूध का मिक्स है उसको और फ्राई करना है, क्योंकि मैंने घी भी यूज़ नहीं किया है, चीनी भी बहुत कम यूज किया है। तो ये मैं टोटली हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बना रही हूँ। चीनी आप लोगों ने देखा, मैंने एक छोटा चम्मच चीनी रख लिया था। यदि कोई क्या है तो मिला सकता है चीनी। ये देखिए पूरी अच्छी तरीके से सूख चुका है। तो अब हम इसे फ्रिज में सेट होने के लिए रखेंगे। ये देखिए, मैं अब फ्रिज में रखने जा रही हूँ। हाँ जी, जैसा कि आप लोगों ने देखा, फर्स्ट लेयर रेडी हो चुका है। अब हम सेकंड लेयर की तैयारी कर रहे हैं। तो इसमें डालेंगे हम थोड़ी सी घी। और अब इसमें हमने डाला दो फेज डाल रही हूँ मैं काट के। सेव गलने तक हमें इसको फ्राई करना है। तो अब मैं इसमें एक चम्मच चीनी मिलाने वाली हूँ। हाँ जी, तो ये हमारा अब रेडी हो चुका है। मैंने गैस भी बंद कर दिया है। हाँ जी, ये रेडी हो चुका है। ये मैंने फ्रिज से निकाल लिया। अब हम इसमें सेट करेंगे ड्राई फ्रूट्स। ये देखिए इस तरीके से, फिर इस तरीके से हमें प्रेस कर देना है अच्छी तरीके से, ताकि अंदर तक चला जाए। ये हो गया। अब इसके बाद
हम अपना चीनी घी वाला लेयर ले रहे हैं, जिसको हमें आराम से सेट करना है इस तरीके से। हाँ जी, और फिर थोड़ी देर के लिए फ्रिज में हम रख देंगे। ये देखिए, ये अच्छी तरीके से हो रहा है। सेट हो चुका है, पर ऊपर का थोड़ा सा लेयर सेट करने के लिए हमें फ्रिज में रखना होगा। तो उसके लिए फिर हम ये, फिर हमने किया सेट सेट सेट। हाँ जी, ये मैंने फ्रिज से निकाल लिया है, तो अब कट करके देखेंगे ये सेट हुआ है कि नहीं। हाँ जी, बहुत अच्छी तरीके से सेट हो चुका है। हाँ, तो ये आप देख सकते हैं, हमारी रेसिपी बनके तैयार हो चुकी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, कॉमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक्स। गलत बोल दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।